सो सबसे पहले जिसको भी सिलेबस नहीं पता और जो पिछली क्लास में नहीं आया था, लॉज ऑफ मोशन कल के टेस्ट में आ रहा है लेकिन फ्रिक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रिक्शन आज हमारा कंप्लीट होगा, तो फ्रिक्शन नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा फ्रिक्शन प्लस लॉज ऑफ मोशन करके आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप चेक कर सकते हो, केमिस्ट्री का चेक कर सकते हो, मैथ्स का चेक कर सकते हो। आ जाओ, तो आज जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम हमारा मेजर फोकस है। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, नीचे वाले पे फोर्स लगाया है या ऊपर वाले पे फोर्स लगाया है, इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि आपको वो नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक तो, और एक आपके पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में डिफरेंस बताइए, तभी लेक्चर में आगे बढ़ा जाएगा। बताइए बेटा क्या फर्क है दोनों के अंदर। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दो है, स्टैटिक और काइनेटिक, दोनों में डिफरेंस बताओ। ज्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं है गौरव। हरी बताएगा, आज हरी बताएगा, बताओ बेटा। बोलने का बिल्कुल मूड नहीं है ना तुम लोगों का। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, सो मैं दोबारा चेक करती हूँ। यस मोहित बोलो बेटा। मैम, स्टैटिक मोशन में सरफेसेस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है इसमें। यस वेरी गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब एक ब्लॉक मान लो दूसरे ब्लॉक पे रखा है, ठीक है, और आपने अगर कोई फोर्स अप्लाई भी किया है किसी भी ब्लॉक के ऊपर, बट दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा, तो आपके लगाए गए फोर्स को कोई तो अपोज कर रहा है ना, तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है। आप फोर्स लगाते हो, पलट के पीछे अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है, आप और फोर्स लगाओगे और वैल्यू एडजस्ट करेगा, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप बोलते हैं एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू में एन, म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। अदरवाइज आप इसको एफ एस से दिखाते हैं, बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो कौन सा है, म्यू एस इंटू में एन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो है व्हेन सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, उस समय पर जो फ्रिक्शन जो मोशन को या रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है, तो वो फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू में एन होती है, और ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट होती है। एक बार मोशन आ गया दो सर्फेस के बीच में, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एस इंटू में एन। एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू में एन नहीं होती, बट यहाँ पर एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू में एन होती है। डायरेक्शन आपको पता है टेंजेंशियली लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड आई थिंक हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करे थे। सो अगर सेशन नहीं लिया है तो रिकॉर्डेड क्लास चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक इज स्टेशनरी। यस हमने दो टॉपिक आप लोगों ने मिस कर दिया, एंगल ऑफ रिपोज भी किया था ना, एंगल ऑफ रिपोज किया था या नहीं किया था। मान लीजिए आपने एक सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, आपने उसको किसी एंगल पे उठाना शुरू कर दिया, तो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो ब्लॉक फिसलना शुरू करता है या जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, तो उस समय पर जो ये सरफेस का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसकी हमने कुछ कंडीशंस करी थी, अगर थीटा आपके पास एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन बोल सकते हैं आप, थीटा अगर आपके पास थीटा आर से बड़ा है, सो आपके पास रिलेटिव मोशन होता है, फ्रिक्शन आपके पास काइनेटिक होता है, ठीक है। अगर थीटा इक्वल्स टू थीटा आर होता है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन वाली कंडीशन होती है, एफ लिमिटिंग देते हैं हम लोग। और थीटा अगर लेस देन थीटा आर होता है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसिस, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए थे, और एक हमने स्मॉल डेफिनेशन भी डिस्कस करी थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। यहां से आपने एंगल ऑफ रिपोज में एक रिलेशनशिप निकाला था, टेंजेंट थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी आता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मान लो ये आपके पास ब्लॉक है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, और मान लीजिए इसका जो मोशन है वो इस तरफ हो सकता है या फोर्स इस तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होता है, उसको अपोज करता है। मान लो फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रहा है,
ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है बट ये टेंजेंशियली लगता है, ये नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली लगता है। इनका जो एक रिजल्टेंट आता है इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स। व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ लिमिटिंग होती है। मान लीजिए आपने इतना फोर्स लगाया यहाँ पे कि वो अपना मोशन स्टार्ट करने वाला ही है, उस केस में जो रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है इसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो रिलेशनशिप यहाँ पर भी सेम आता है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, बट ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल होता है, थीटा ये होता है, यहाँ ब्लॉक रखा होता है, इस पे लगने वाले फोर्सेस को आप ब्रेक करते हैं, नीचे आता है आपके पास एम जी कॉस थीटा, आगे की तरफ आता है आपके पास एम जी साइन थीटा, और जिधर मोशन है उसके हिसाब से आपके पास फ्रिक्शन का डायरेक्शन आएगा, ऊपर या नीचे जो भी है। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है थीटा, और जब एक पर्टिकुलर एंगल पे हम ले आए कि वो जो ब्लॉक है वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, तब इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये क्लास में चेक कर सकते हैं। सो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, ब्लॉक इज स्टेशनरी, मूव डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। पहली बात मुझे एक जो आपको बतानी है, आपको फोर्स ऊपर लगाना पड़ा, ठीक है, आपको ब्लॉक स्टेशनरी रखना है और स्टेशनरी रखने के लिए आपको एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ा, राइट, इसका मतलब ब्लॉक नीचे जा रहा था ना, ठीक है। सो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है इसमें कहाँ आएगा, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ये नीचे जा रहा था तो आपको फ्रिक्शन फोर्स इसका यहां मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू जो फ्रिक्शन की है वो भी इसको बचा नहीं पा रही नीचे जाने से, ठीक है। यहां पर आपके पास जो फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ लिमिटिंग, ठीक है, एफ लिमिटिंग लग रहा था तब भी आपके पास जो ब्लॉक है वो एफ लिमिटिंग भी उसको बचा नहीं पा रहा था नीचे जाने से, ठीक है। आपको पता है इसके ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगता है, मान लो ये एंगल थीटा है, एम जी साइन थीटा, सो एफ लिमिटिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी इसको नहीं बचा पा रहा था, एम जी साइन थीटा उसको ले जाएगा। तो जब ये लग रहा था तो कितना फोर्स और लगाना पड़ेगा कि वो स्टेशनरी रह जाए, ये सवाल था आपका, ठीक है। तो स्टेशनरी होने के लिए नीचे वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स, यानी कि एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ प्लस में एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये होता है आपके पास म्यू एस इंटू में एन। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट कहाँ है आपके पास, यहाँ, तो ये आपके पास होता है 6G, जो इसका वेट नीचे की तरफ होता है, इसको आप कॉम्पोनेंट करते हैं तो ये आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये जो लिखा हुआ है ये एम जी साइन थीटा है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता है, ऊपर की तरफ। अब नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से आपके पास एफ लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी, म्यू एस आपको दे रखा है 0.6, ठीक है, और आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एम यानी कि 6, जी मतलब 10। अच्छा, इसमें थीटा तो मैंने आपको दिया ही नहीं था शायद, थीटा आपके पास क्या था मोहित, क्या वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे थे मैम? थीटा 60 डिग्री करके, 60 डिग्री था, यस 60 डिग्री आपके पास वैल्यू आएगी, 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास cos 60 आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में cos 60, आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 60 कितना होता है, √3/2, इसकी वैल्यू आई थिंक आपके पास 18 आएगी अप्रोक्सीमेटली, चेक करो जरा, आ रही है क्या 18, ओके। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू 6, g की वैल्यू 10 एंड sin 60 अगर आप पुट करेंगे, सो आपके पास आंसर कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका 51.9 समथिंग बन रहा होगा, 52 बनेगा, आप एक बार चेक करके देखो, यही बनना चाहिए। cos 60 हो जाएगा 1/2 और साइन 60 हो जाएगा √3/2, आप पुट करेंगे 52 और 18, सो एफ की वैल्यू अब यहां से क्या निकल जाएगी आपके पास, 52 माइनस में 18, ये आपके पास लगभग कितना बन रहा है, 33.9 समथिंग बनेगा एग्जैक्टली, तो उसको हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 34 न्यूटन, ये आपके पास आंसर बनेगा, समझ में आया।
जिसने भी ये सॉल्व नहीं किया उसको अभी समझना था, और जिसने किया उसको मिस्टेक मिलेगी नहीं। मोहित समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट था मूव डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सेम डायग्राम है आपका, ये आपके पास वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ब्लॉक 6 केजी का है, और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपके पास आएगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ आएगा एम जी कॉस 60, आगे आएगा एम जी साइन 60, और पीछे की तरफ आएगा एक फ्रिक्शन फोर्स। अभी देखो सवाल क्या था, सवाल था कि मूव डाउनवर्ड विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो कितना फोर्स लगाया जाए। एक फोर्स एफ यहाँ लगाना पड़ रहा है, ये विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जाना चाहिए। तो पहले तो इस ब्लॉक के ऊपर हमें नेट फोर्स देखना पड़ेगा। एक फोर्स आगे की तरफ है, एक फोर्स आपके पास पीछे की तरफ है, और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है मतलब डाउनवर्ड मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जाएगा एफ के आएगा। बट क्योंकि अब रिलेटिव मोशन की बात करें, दे आर सेइंग इट शुड बी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एम जी साइन 60 माइनस में एफ प्लस में एफ के, दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ये बनेगा, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दे आर सेइंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। सो ये चीज जीरो हो जाएगी, यानी एम जी साइन 60 शुड बी इक्वल टू एफ प्लस में एफ के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। एफ के की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, म्यू के इंटू में एन से। म्यू के की वैल्यू आपको गिवन थी 0.4, एन की वैल्यू क्या है एम जी कॉस 60। ठीक है, एम जी साइन 60 अभी हमने पीछे सॉल्व करा था, यहाँ पे लगभग 52 आएगा, तो ये आपके पास सॉल्व होके 52 आएगा, और एफ के की वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आनी चाहिए 12। इसको आप सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 बनेगा। ठीक है, तो एफ कितना लगाना पड़ेगा, 52 माइनस में 12 यानी कि 40 न्यूटन। थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट कर रखी है वैल्यूज, आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, वो आपके ऑप्शंस क्या गिवन है उसके हिसाब से। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम डायग्राम है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, 6 केजी का ब्लॉक है, नीचे जो लगने वाला फोर्स है एम जी कॉस 60 है, ठीक है, आगे लगने वाला फोर्स है एम जी साइन 60 है, एंड नाउ ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये ऊपर की तरफ मूव करे, और कितना एक्सेलरेशन से मूव करे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ऊपर की तरफ अगर मोशन की बात चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और वैल्यू क्या आएगी, एफ के आएगा, क्योंकि मोशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना लेना है, 4 लेना है, तो कितना फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा ये सवाल है। यानी कि एफ माइनस में एम जी साइन 60 प्लस में एफ के, दैट शुड बी इक्वल टू इट्स मास 6 इंटू में एक्सेलरेशन, जो कि वैल्यू कितनी है 4। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 4 आना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 प्लस में एम जी साइन 60 आप सॉल्व करते हैं तो लगभग 52 आता है, और एफ के की वैल्यू 12 आती है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग 88 न्यूटन बनता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट था, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज होते हैं, सारे केसेस इसके अंदर आ गए हैं। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, सारा जो भी पिछले लेक्चर का हमारे पास जितना भी कहानी थी ना, वो सारी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। अभी मैं एक पोल क्रिएट कर रही हूँ बेटा, आप सभी पोल पे आंसर करेंगे, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपके बैच का जो टाइमिंग है वो कब तक रखना है। व्हेन योर फाइनल एग्जाम्स विल बी हेल्ड, फर्स्ट वीक ऑफ फैब, सेकेंड वीक ऑफ फैब, थर्ड वीक ऑफ फैब, या फोर्थ वीक ऑफ फैब, वोट कीजिए बेटा। पोल पे जाइए, एक्टिविटीज में मिलेगा पोल आपको, और उस पे आंसर कीजिए। मिल रहा है ना सबको पोल? कम ऑन एवरीवन, जितने भी बच्चे हैं सबके आंसर होने चाहिए उसके अंदर। हेलो यस अनुज? मैम। हाँ मैम जिसके हो चुके हैं मैम वो ओके, वो कोई दिक्कत नहीं है। कितने बच्चों के हो चुके हैं, ओके हैंड रेज करो
दो स्टूडेंट ही हो चुके हैं, ठीक है। सभी बच्चे वोट करेंगे, अनुष्का, शिवम, यसीन, हर्षित, और जिस जिसने वोट कर दिया हैंड रेस कर लो। यस जिज्ञास, जिज्ञांश, सिक्सटीन वोट्स आए मेरे पास। देखिए, आपकी बैच की प्लानिंग आपके आंसर पे ही डिपेंड करती है। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का फर्स्ट वीक में है, या आपके पास कोई डेट है, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको पॉज कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपका सेकंड थर्ड में जा रहा है, तो हम थोड़ा और एक हफ्ता इसको चला सकते हैं, ठीक है। जो ये बैच कब रिज्यूम होगा, वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, जो टीम है वो आपको बता देगी। बट पहले सभी बच्चे प्लीज वोट कीजिए। अभी मेरे पास 19 वोट्स आए हैं, हैंड रेज करते जाओ जिस जिसने कर दिया। अनुज, रिया, मिल रहा है ना तुम लोगों को? पोल कहाँ है? एक्टिविटीज में जाइए बेटा, एक्टिविटीज में पोल क्वेश्चन मिलेगा और उस पे वोट कीजिए। मंदी, प्रीमा, 17 बच्चों ने अभी वोट किया है। अशोक, वोट कर दिया बेटा? ओके। कर आतिफ, आतिफ, अभिषेक, उत्तम, उत्तम वोट कर दिया बेटा? दिया। यस मैम, मैंने कर दिया। हैंड रेज करो ना फिर, जिसने भी कर दिया हैंड रेज कीजिए। 37 अपने क्लास में बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। अपने पास 35 वोट आने चाहिए। एक मेरी स्क्रीन भी शेयर्ड है, 24 वोट्स आए अभी तक। हरी, वोट कर दिया? यस मैम। हैंड रेस करो फिर बेटा। लेट मी आइडेंटिफाई ना कि किसने नहीं किया है। 25 वोट आ गए हैं क्लास में। मुझे ऐसे लग रहा है कुछ बच्चे ज्वाइन करके बस गायब ही हो गए। हाँ जी, किसी को अगर पोल नहीं मिल रहा है तो बताइए बेटा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ जाना है। आपके जो जहां से भी आप मोबाइल से ले रहे हैं, तो एक एक्टिविटी नाम से ऑप्शन है, उस पे जाके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपके फाइनल एग्जाम कब हो रहे हैं। उस पे पोल करना, आपको एक सेलेक्ट करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई डेट है, कोई डेट शीट आई है, कुछ भी, उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। हैंड्स डाउन कर लो, अगर इसने अभी तक किसी को मिला नहीं है, नहीं किया, तो एक बार कर देना बेटा। आ जाओ, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। यस, कोई बोल रहा था अभी? तो अब हम शुरू करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। देखिए क्या होता है ब्लॉक ऑन ब्लॉक डायग्राम के अंदर। मान लो आपके पास एक ब्लॉक है ये, ठीक है, और एक ब्लॉक है आपके पास ये। आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया, इसको मान लो आप M1 है, इसको मान लो M2 है, और ये आपका सरफेस हो गया। और आपको कॉफिशियंट्स ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, मान लो इसमें आपको दे दिया μ1 और इसमें आपको दे दिया μ2। तो आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, मतलब दो केसेस पॉसिबल है। पहला कि आपने इतना फोर्स लगाया, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक चीज के ऊपर एक चीज रखी है, बट आप नीचे वाली को धीरे 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 खींच रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा रहे हो, तो ऊपर वाली भी साथ साथ मूव कर रही है। ये करा ना आप लोगों ने, जरूर कहीं किसी की हेल्प करी होगी कुछ सामान उठवाने में, या घर में भी एक एक चीज के ऊपर दूसरी चीज के ऊपर रख के हम लोग इकट्ठा सारी चीजें ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों साथ मूव कर सकते हैं, दे मूव टुगेदर, ठीक है।
उस केस में क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देयर इज रिलेटिव मोशन, आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है कि एम वन को उतना एक्सेलरेशन नहीं मिला या एम वन एकदम से गिर गया, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दिया तो गिर गया, ठीक है। तो देयर इज रिलेटिव मोशन, यहां पर क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी डिफरेंट, बोथ ब्लॉक्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। यहां पर देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फर्स्ट केस जब वो दोनों साथ चल रहे हैं, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज सेम, दोनों का सेम एक्सेलरेशन रहेगा। अब सवाल क्या पूछा जाता है, दो तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस सपोज दे आर मूविंग टुगेदर, सो आपको पूछ लेंगे कि कितना एक्सेलरेशन से वो चल रहे हैं, क्या होता है सवाल आपका होता है एक्सेलरेशन के ऊपर, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। या फिर आपको पूछ लेंगे कितना मैक्सिमम फोर्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो फॉर विच दे कैन मूव टुगेदर, ठीक है, कितने मैक्सिमम वैल्यू तक वो साथ में चल सकते हैं, ठीक है, और कितनी एक्सेलरेशन होगी। सेकंड, ये टाइप क्वेश्चन वन है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर मान लीजिए फोर्स बहुत ज्यादा है, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ए वन निकालो ए टू निकालो, दोनों ब्लॉक्स का क्या निकालेंगे आप, एक्सेलरेशन निकालेंगे अगर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला, अगेन मैं आपको वही डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ये मान लो m2 है, ये आपके पास m1 है, और यहाँ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है, यहाँ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। स्टेप नंबर वन क्या है, फाइंड, आपने कोई भी फोर्स लगाया सपोज f, फाइंड f लिमिटिंग ऑन बोथ सर्फेसिस। स्टेप नंबर वन क्या है, यहां पर भी f लिमिटिंग निकालो और नीचे भी f लिमिटिंग निकालो, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपके पास, और f लिमिटिंग की वैल्यू आपको पता है, f लिमिटिंग होता है आपके पास म्यू s इंटू में n। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, फाइंड ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आपको वो ब्लॉक ढूंढना है। अब यहां पर देखो, आपका सवाल आया नहीं, बट सवाल ये हो सकता है, मैम ऊपर वाले पे तो आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो वो साथ में कैसे चल सकता है। तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, कि अगर मान लीजिए आपने कोई फोर्स एफ लगाया है, तो इसको क्या लगेगा कि ब्लॉक जो है पीछे छूट रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इस ब्लॉक को लग रहा है आगे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, तो दोनों साथ मूव कर रहे हैं, ये पॉसिबल तभी है क्योंकि यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो उसको वही एक्सेलरेशन दे दे जो नीचे वाला फोर्स दे रहा है, तभी दोनों साथ में चलेंगे। सो हमें सिर्फ वो ब्लॉक ढूंढना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो वो ब्लॉक आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे एम वन है, ठीक है। अब हमें ये क्यों ढूंढना है, सवाल ये था कि हमें वही ब्लॉक क्यों चाहिए जिसपे फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये ब्लॉक आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, ये ब्लॉक आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है एम वन की वो बता देगा। अब जैसे मान लो आपने कुछ भी फोर्स लगाया, वन न्यूटन लगाया, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। आपने टू न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ गई, आपने थ्री लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू और बढ़ गई, अभी तक ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। बट एफ की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ लिमिटिंग, एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ लिमिटिंग। तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन में अगर नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन रहता है, तो दे विल मूव टुगेदर, अदरवाइज दे विल मूव सेपरेटली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूजिंग दिस एफ लिमिटिंग जो आपके पास ये लग रहा है, फाइन ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट, आप इस एफ लिमिटिंग वैल्यू को पुट करेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा, एक ए मैक्सिमम मिलेगा, एंड इफ लोअर ब्लॉक इज हैविंग एक्सेलरेशन इक्वल टू ए मैक्स
और लेस देन इट। लेस में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एफ जो स्मॉल एफ है उसकी वैल्यू कम तो हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यू है, ठीक है। सो लेस देन भी हो सकती है, लेस देन ए मैक्स। अगर नीचे वाले ब्लॉक का फोर्स जो लग रहा है कैपिटल एफ इतना है कि उससे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ए मैक्स से कम या उसके बराबर है, तब तक वो दोनों साथ में चलेंगे। देन थर्ड स्टेप क्या है, यूज दिस ए मैक्स टू फाइंड एफ मैक्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब देखो दोनों साथ में कब तक चल सकते हैं, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक चल सकते हैं, तो उसी ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन को सेकेंड ब्लॉक पे यूज कर लो, उससे आपको एफ मैक्सिमम मिल जाएगा कि कितना मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। मुझे सेकेंड ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया, उसको यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, एफ मैक्सिमम निकाल लिया कि कितना मैक्सिमम फोर्स मैं नीचे वाले ब्लॉक पे लगा सकती हूँ जिसके लिए वो दोनों साथ में चले। तो तीन स्टेप है, पहला स्टेप लिमिटिंग लिमिटिंग एफ लिमिटिंग निकालेंगे आप, इसको एफ स्मॉल कर लो, एफ लिमिटिंग ऑन बोथ द सर्फेसेस, ऊपर वाले पे भी निकालेंगे, ऊपर भी कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, नीचे भी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में जीरो भी गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड के सेकेंड स्टेप क्या है, यूजिंग दैट एफ लिमिटिंग आप क्या करेंगे, वो ब्लॉक ढूंढे जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू यूज करो और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है वो निकाल लो, ठीक है। उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, दूसरे ब्लॉक पे यूज करके उस पे कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो आपको मिल जाएगा फॉर विच दे मूव टुगेदर। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं, आपको कोई सर्टेन फोर्स दे देंगे, एफ दे दिया मान लो 15 न्यूटन, ठीक है, और आपको एक एफ मैक्स निकालना पड़ेगा, आपके अप्लाइड फोर्स को कंपेयर करना पड़ेगा एफ मैक्स से, तो हमें समझ में आएगा साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो पहला एनालिसिस यही है कि वो साथ में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन से चल रहे हैं और कितना मैक्सिमम फोर्स, तो ये आपको क्लैरिटी क्वेश्चन से आएगी। देखो मान लो एक ब्लॉक 5 kg का है, एक ब्लॉक 10 kg का है, नीचे वाले पे आपने एक फोर्स लगाया एफ, कोई फोर्स मान लिया जनरल, सवाल है कि मैक्सिमम वैल्यू एफ की कितनी पॉसिबल है सच दैट ब्लॉक मूव टुगेदर, जिसके लिए वो दोनों साथ में मूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए, ये आगे जा रहा है 5 kg को लगेगा, ये आगे जा रहा है, ठीक है, इसको अपोज करेगा, ये पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, 10 kg ब्लॉक को लगेगा, 5 kg पीछे छूट रहा है तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आता है। फिर हमारा क्या स्टेप नंबर वन क्या था, आपको एफ लिमिटिंग निकालना है फॉर सरफेस वन एंड सरफेस टू, इसको नंबर वन मान लो, इसको नंबर टू मान लो। सो एफ लिमिटिंग होता है आपके पास म्यू इंटू में एन। देखो अगर म्यू एस म्यू के आपको अलग अलग गिवन है तो आप अलग वैल्यू पुट कीजिए, अब जैसे यहाँ पर एक ही वैल्यू गिवन है तो आपको म्यू एस में भी वही पुट करनी पड़ेगी और म्यू के में भी वही पुट करनी पड़ेगी, और 95% केसेस में यही क्वेश्चन होता है, एक ही वैल्यू गिवन होती है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, मैं ढूंढती रहती थी वैल्यू तो है ही, निकालू कैसे उसको, ठीक है। सो यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन निकालना आना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन अगर मुझे इस सरफेस का निकालना है, जैसे मैं यहां निकाल रही हूँ ना एफ लिमिटिंग फॉर फर्स्ट निकाल रहे हैं, इसके लिए यहां पर आप एफ लिमिटिंग निकाल रहे हैं, तो यहां पर 5 kg के ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे, इस पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, इसको N1 मान लेते हैं, चलो एक नीचे आएगा इसका वेट 5g, और ऊपर नीचे मोशन है नहीं, सो आपके पास N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × g, ठीक है, ये आप यहाँ पुट कर दो, इंटू में 5 × g यानी 10, ये आपके पास आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। सो ये एफ लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 10 न्यूटन, इधर भी आपके पास एफ लिमिटिंग आप लगाएंगे 10 न्यूटन। अब मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप क्या है, यूज दैट एफ लिमिटिंग टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच ओनली फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट, जिसपे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो ब्लॉक कौन सा है, 5 kg ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को ड्रॉ कर लो, ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन 10 न्यूटन का, तो इसकी कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो लग सकता है, ठीक है। तो इसका ए मैक्स आपको निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 10 = 5 × ए मैक्स, ए मैक्स क्या हो जाएगा आपके पास 2 m/s². यूज दिस ए मैक्स टू फाइंड एफ मैक्स, 10 kg का ब्लॉक बनाइए, ठीक है, ये 10 kg का ब्लॉक है,
मुझे मैक्सिमम फोर्स जो लग सकता है इस पे वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स एफ है वो लिख लिया, मुझे निकालना है एफ मैक्स। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ एफ लिमिटिंग, दैट इज इक्वल टू 10। अच्छा आपका सवाल हो सकता था मैम नीचे वाले सरफेस के लिए तो आपने निकाला ही नहीं एफ लिमिटिंग, क्योंकि बेटा कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, सो इसके लिए एफ लिमिटिंग की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगता, क्योंकि आगे की तरफ मोशन है तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगता है यहाँ पीछे की तरफ एफ लिमिटिंग, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो ये तो आंसर जीरो ही है, और इसका दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो ए मैक्स के साथ, तो एफ मैक्स निकल जाएगा। ए मैक्स आपके पास कितना है, टू। सो 5 मैक्स माइनस में 10 प्लस में जीरो, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू में ए मैक्स। ठीक है, सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में ए मैक्स कितना है, 2 प्लस में 10, ये हो जाएगी 30 न्यूटन। यानी अगर आपने ये फोर्स 30 न्यूटन से कम या बराबर लगाया है तब तक तो ये दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे। समझ में आया ये एनालिसिस सबको। पहला स्टेप क्या किया, दोनों सर्फेसिस पे एफ लिमिटिंग निकालो म्यू इंटू में एन करके। जैसे अगर मान लो यहाँ पर जीरो ना होके 0.1 होता सपोज, तो इसकी भी वैल्यू आती, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, एफ लिमिटिंग अगेन आप निकालते हैं नीचे वाले सरफेस के लिए तो म्यू इंटू में एन यानी 0.1। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता, नीचे आप सरफेस पे निकाल रहे हो, एक मास आपके पास मान लो एम टू है, एक मान लो आपके पास एम वन है, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो सरफेस पे ये लगाएगा और एक ये सरफेस ये इस सिस्टम के ऊपर लगेगा, और नीचे जो वेट है टोटल कितना हो जाएगा, एम टू प्लस में एम वन इंटू में जी। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है, एम वन प्लस में एम टू इंटू में जी, वो हम यहाँ पर पुट कर देते 5 प्लस में 10 इंटू में जी यानी कि 10। आप सॉल्व करते एफ लिमिटिंग आता, यहाँ जीरो की बजाय सर्टेन एक्स वाई जेड वैल्यू आती, यहाँ पर जीरो की जगह पुट कर देते आपके पास एफ मैक्स की कुछ दूसरी वैल्यू बन जाती। बट हमने सबसे सिंपल वर्जन लिया है जिसमें अभी नीचे वाले सरफेस को हम स्मूथ मान रहे हैं, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, वो वाला केस भी करेंगे जिसमें कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहां तक सबको समझ में आया, एक क्वेश्चन खुद करके देखोगे, बोलिए भाई। पहला स्टेप क्या था, एफ लिमिटिंग निकालो बोथ सरफेसेस के लिए। फिर दूसरा ब्लॉक, दूसरा स्टेप क्या, ब्लॉक ढूंढो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, उसमें एफ लिमिटिंग की वैल्यू से ए मैक्सिमम निकाल लो, यूज दैट ए मैक्सिमम ऑन अनदर ब्लॉक टू फाइंड एफ मैक्सिमम जो उस पर लग सकता है। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, ये वाला, फाइंड एफ मैक्स सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। उनको साथ में मूव कराने वाला जो फोर्स है ना वो फ्रिक्शन फोर्स है, बट उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, जब तक दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो वो एडजस्ट कर सकता है सिर्फ एफ लिमिटिंग तक, तो इसलिए हम बार बार एफ लिमिटिंग निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो 5 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, बट फोर्स अब ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और इधर आपके पास जीरो। एक बार सॉल्व करके देखिए बेटा, पहले तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, आवाज आ रही है ना मेरी,
हाँ जी चलिए देखिए कैसे करना है। 5 kg, 10 kg, यहाँ 0.2 है, या आपके पास क्या है? जीरो। सबसे पहले हमको निकालना है एफ लिमिटिंग ऑन बोथ द सर्फेसेस। जैसे अगर मैं यहां निकालू, एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू में एन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आप देखेंगे इस ब्लॉक पे 5G लग रहा है, ऊपर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको मान लो एन। सो एन इक्वल्स टू 5G। सो एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या आएगी? 0.2 इंटू में 5 इंटू में जी यानी 10, दैट इज सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। ठीक है, अब एफ लिमिटिंग देखो कैसे लग रहा है, ये आगे जा रहा है, इसको लगेगा 10 kg पीछे छूट रहा है, तो ये 10 kg पे आगे लगाएगा। एफ लिमिटिंग इधर ले लेते हैं, 10 kg को लग रहा है ये आगे जा रहा है, ये इसके ऊपर पीछे लगाएगा, ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, इस पे जो एफ लिमिटिंग है वो कितना है, कितना हो गया? 10। इसको सॉल्व करेंगे 10 न्यूटन आ रहा है, ये 10 न्यूटन आ रहा है, ये भी आपके पास 10 न्यूटन हो जाएगा। अब आपको यहां निकालना पड़ेगा, यहां तो जीरो ही है क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जीरो है। अब देखिए एफ लिमिटिंग मिल गया, उसके बाद क्या करना होता है आपको? वो ब्लॉक ढूंढना है जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन है, वो 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है 10। इसको यूज करेंगे ए मैक्सिमम निकालने के लिए, आपने लिमिटिंग वैल्यू ली है तो ए मैक्सिमम मिलेगा। सो ये आपके पास कैसे आएगा? 10 इक्वल्स टू 10 इंटू में ए मैक्स, मास भी 10 है और एफ लिमिटिंग भी 10 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 m/s². अब ये 1 m/s² दूसरे ब्लॉक पे लगाएंगे, 5 kg वाले ब्लॉक पे, ये kg में लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगी। 5 kg पे आपके पास क्या लग रहा है? एक तो एफ लग रहा है, और ये चलेगा अगर ए मैक्स से जिसकी वैल्यू 1 है, और एक इस पे एफ लिमिटिंग लग रहा है पीछे की तरफ 10। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम फोर्स पॉसिबल है वो मिल जाएगा। सो एफ मैक्स माइनस में 10, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू में ए मैक्स यानी कि 1, यानी एफ मैक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 15 न्यूटन। तो अगर आपके पास ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स 15 न्यूटन या उससे कम है, देन दे विल मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है? अदरवाइज 15 से अगर ज्यादा हो गया, दे विल मूव विद अलग अलग एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन सेपरेटली, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मेरे को निकालना पड़े एफ की वैल्यू कि कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लो 15 से कम लग रहा है, 10 लग रहा था, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे? स्टैटिक लग रहा है, बट कितना? तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं अभी आगे आ जाओ। तो पहले दो क्वेश्चंस में आपने एनालिसिस करना सीखा है कि मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालना है, चाहे ऊपर आपने लगाया चाहे नीचे आपने लगाया, हर क्वेश्चन में ये एनालिसिस तो करना ही करना है। अब क्या होगा, आपको कोई फोर्स गिवन होता है, जैसे यहां पर आपको एक 10 न्यूटन का फोर्स दे दिया। फाइंड एक्सेलरेशन सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब क्या करेंगे, इसको हटा के पहले एफ लगाते हैं, तो ये यही वाला केस बन गया ना, 5 5 और नीचे आपके पास 10 और आपने एक फोर्स लगा दिया, ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन सेम है, सो इसमें मैक्सिमम फोर्स जो पॉसिबल है वो 15 न्यूटन का है। बाय यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन, सेम क्योंकि डायग्राम है, तो एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कितना है? 15 न्यूटन है। मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रही। अब जो गिवन फोर्स है, अब जैसे मान लो ये तो सेम डायग्राम था, अगर नहीं होता तो आपको पूरा प्रॉपर फर्स्ट और सेकंड जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे जो फोर्स दिया है वो एफ मैक्सिमम से कम है या नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है एफ इज लेस देन एफ मैक्स, इसका मतलब दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर, इनके बीच में नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन नहीं होता तो फ्रिक्शन कौन सा आता है? स्टैटिक आता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू एफ आप पुट कर लेंगे। अब लगा लेते हैं कैसे कैसे फोर्सेस बन रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर मान लो 10 न्यूटन आगे जा रहा था, 10 kg उसको पीछे छूटते दिख रहा था, तो इस पे एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ। अब लग रहा है कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो एफ वैल्यू पुट कर दी। 10 kg को ये आगे जाता लग रहा था, ये इसने पीछे इसके ऊपर फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, अब इक्वेशंस बना लेंगे। अब दे आर मूविंग टुगेदर, ए ही एक्सेलरेशन से ऊपर वाला चलेगा, ए ही नीचे से चलेगा, क्योंकि एफ आपका एफ मैक्सिमम से छोटा है। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बनेगी ऊपर वाले के लिए? 10 माइनस में एफ दैट इज इक्वल टू 5 इंटू में ए। और नीचे वाले के लिए क्या बनेगी? उसके ऊपर तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह कुछ है ही नहीं, कॉफिशियंट ही जीरो है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो कॉफिशियंट
कोफिशियंट कुछ होता तो यहां पर अगर ये मोशन में है तो आपके पास एफ के आ जाता, ठीक है। तो अब यहां पर ये है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं, जब आएगी तब देखेंगे। अब 10 kg ब्लॉक पे देखिए ए की फोर्स है एफ, एंड दैट इज इक्वल टू 10 मास इनटू एक्सेलरेशन ए। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 10 इक्वल्स टू 15 ए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/15। इतने एक्सेलरेशन से ये चल रहे हैं। और अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो 10 ए में पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 10/15, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10, 5 3 ये 20/3 आ रहा है, सही है। चेक कीजिए वैल्यू, क्वेश्चन नंबर है ये आपका थर्ड ना, हाँ जी सही है, क्लियर है सबको क्वेश्चन कैसे करना है, बोलिए बच्चों। ओके चलिए फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। डायग्राम आपका ये वही है, 5 kg 10 kg 0.20, इसको हटा के अगर हम F लगा दें तो आपके पास F मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कितना होगा 15 न्यूटन, और आपका जो गिवन फोर्स है F इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन के केस में फ्रिक्शन कौन सा आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। एंड दे विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, मान लो ये आपके पास A1 से चल रहा है तो ये वाला आपके पास A2 से चलेगा, ठीक है। अब निकालो जरा, सॉल्व करो, अब जो फ्रिक्शन है ड्रॉ कर लो कैसे लग रहा है, जैसे ये 50 आगे जा रहा है, इसको पीछे छूटता दिख रहा है, इस पे एफ के लग रहा होगा क्योंकि यहाँ एक रिलेटिव मोशन है और यहाँ आपके पास एफ के लग रहा होगा। तो 5 kg पे देखेंगे तो 50 माइनस में एफ के दैट इज इक्वल टू 5 × में A1, नीचे वाले ब्लॉक पे देखो एक ही फोर्स है, एफ के इज इक्वल टू 10 × में A2, और एफ के तो आप निकाल सकते हो, एफ के क्या होता है म्यू के इंटू में एन, ठीक है। यहां पर आपको निकालना है, यहां पर म्यू की वैल्यू एक ही गिवन है तो यही लेनी पड़ेगी 0.2। नॉर्मल रिएक्शन अगर 5 kg ब्लॉक पे देखे तो क्या आएगा, नीचे 5g ऊपर n आएगा, तो 5 × में g यानी 5 × में 10, ये आपके पास सॉल्व होकर 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन। सो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 5 A1, सो 50 माइनस 10 कितना होगा 40 इज इक्वल टू 5 A1, सो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ ये आएगा 10 इक्वल्स टू 10 A2, सो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्लियर है सबको, और F F के निकल गया है, A1 निकल गया, A2 निकल गया, बस आपको एनालिसिस करना आना चाहिए F मैक्सिमम का, उसके बाद तो सवाल आसान है। इसमें बस थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो नीचे भी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इससे लंबा हो जाएगा, मुश्किल नहीं है आसान ही है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाइए, ये वाला है केस नंबर 1 जो हमने स्टार्टिंग में किया था, 5 kg 10 kg 0.2 u, यहाँ 10 हो गए एफ होता तो एफ मैक्सिमम कितना पॉसिबल था, कितना निकाला था हमने पीछे सॉल्व किया था देखो 13 न्यूटन, और आपने लगाया है कितना, ये एफ मैक्सिमम जो पॉसिबल है इस डायग्राम में वो 13 न्यूटन है। या आप एनालिसिस करेंगे, मैंने पहले दोनों क्वेश्चन में एनालिसिस करना सिखा दिया है, ठीक है। अब जो एफ है, जो गिवन एफ है वो आपके पास है क्या 10, सो एफ क्या आपके पास छोटा हो गया एफ मैक्स से, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, रिलेटिव मोशन तो है नहीं, नो रिलेटिव मोशन, अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन कौन सा होता है स्टैटिक, जिसकी वैल्यू हम एफ पुट कर लेंगे। तो 10 अगर आगे जा रहा है तो इसको 5 पीछे छूटता दिखेगा, ये आएगा एफ, और यहाँ एक 5 लगाएगा एफ, ठीक है। अब इसके इसको सॉल्व कीजिए, दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताइए कितनी आएगी बेटा। सॉल्व करके वैल्यू बताइए बेटा, सॉल्व कर रहे हैं मोहित, सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस मैम। करो करो आंसर निकाल के बताओ, फिर ही कॉन्फिडेंस आएगा अगर एक बार आंसर निकाल लोगे तो।
जिसने भी पोल पे आंसर नहीं किया है प्लीज पोल पे अपना आंसर कीजिए, पेपर कब है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए क्या आएगी। देखिए इतनी देर नहीं लगनी थी। 5 kg के ब्लॉक को देखो, इस पे कौन कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है, एफ इक्वल्स टू 5 × में एक्सलरेशन कितने से मूव कर रहा है, ए। सेकंड ब्लॉक पे 10 - में एफ इक्वल्स टू 10 × में ए, दोनों को ऐड कर दो, 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 है, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा 10 बाय में 15। एफ निकालना है 5 × में 10 बाय 15, तो जो भी आपके ऑप्शन में वैल्यूज हो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में करो नहीं तो सॉल्व करके लिखो, जैसे 5 2 जा 5 3 जा 2 बाय 3, 5 3 जा 10 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड ए ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। आपको 40 दे रखा है, इसका एफ मैक्सिमम मैं आपको बता देती हूँ, एफ मैक्सिमम कितना है इसका 30 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, इस पे लगेगा आगे, इस पे लगेगा पीछे, बनाओ इक्वेशन। एफ को काउंट, जो गिवन एफ है 40, जिससे छोटा है बड़ा है, जो आपका अप्लाइड फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, सो इस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन और नॉट, नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू में एन। ठीक है तो यहाँ पर के लगा दो पहले तो, क्योंकि अब यहाँ पर है रिलेटिव मोशन, एफ के की वैल्यू निकाल लो म्यू के इंटू में एन। यहाँ यहाँ पर देख रहे हो ना इस सरफेस पे, तो इस ब्लॉक पे देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, इस पे लग रहा है एक 5G नीचे, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ठीक है सो नॉर्मल रिएक्शन 5G के बराबर हो गया, म्यू के वे 0.25 × में जी यानी कि 10, 10 सॉल्व करेंगे 10 न्यूटन आ रहा है। अब इक्वेशन बनाओ, ये मान लो चल रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये चल रहा है आपका A2 एक्सेलरेशन से, 5 kg के लिए लिखिए फोर्स क्या है आपके पास इसके ऊपर, एफ के ओनली, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 5 kg के ब्लॉक के लिए लिखे हैं तो आगे लग रहा है इस पे एफ के बस, और ये A1 एक्सलरेशन से चल रहा है, तो आपके पास क्या आएगा 10 इक्वल्स टू 5 × में A1, A1 की वैल्यू आ गई 2। नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाओ, अब यहाँ नीचे कोई फोर्स नहीं है, हो सकता था अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता बट है ही नहीं, तो इसको हटाओ, यहाँ पर कुछ भी फोर्स नहीं है, जीरो है पीछे, यहाँ पर सिर्फ एफ के ही है पीछे, यानी 40 - में एफ के कितना आपके पास, ये आप लिख रहे हैं 10 kg ब्लॉक के लिए, आगे लग रहा है 40 और पीछे लग रहा है आपके पास 10, और ये चल रहा है A2 एक्सेलरेशन से, 40 - में 10 इक्वल्स टू 10 × में A2, यानी 30 इज इक्वल टू 10 A2, A2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 m/s². आसान है, एक बार तरीके से सॉल्व करेंगे ना समझ में आ जाएगा, कभी ऊपर फोर्स कभी नीचे फोर्स, ये यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें नीचे आपके पास कुछ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगी जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस यूज होंगे, सारा का सारा लेक्चर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट होते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है, हमेशा ट्राई किया करो। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, सबसे पहली बात 0.2 0.1 10, तो पहले मुझे इसमें, पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना यहाँ जीरो था, ठीक है इसमें एफ लगाते तो हमारे पास एफ मैक्सिमम कितना आ रहा था 30,
बट अब डिफरेंट केस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ म्यू दे रखा है, तो पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि एफ मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, एफ लगाएंगे। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते थे, पहले दोनों सरफेसेस पे एफ लिमिटिंग निकालो। ठीक है, इस सरफेस पे आप एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालो, नंबर वन मान लो इसको, नंबर टू मान लो। इसको नंबर वन मान लो। ठीक है, म्यू इंटू में एन। अगर इस ब्लॉक की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लग रहा है, 5G नीचे लग रहा है, तो इसमें कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2 इंटू एन, यानी कि 5 इंटू जी, 5 इंटू जी यानी 10। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। एक एक वैल्यू आ गया आपके पास 10 न्यूटन। ये दिखाई दे रहा है सबको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? इसका यहाँ निकाल के दे देते हैं। चलो, एफ लिमिटिंग क्या आ जाएगा, म्यू इंटू में एन। म्यू आपके पास 0.2, एन है 5 इंटू में 10, ये आगे सॉल्व हो गया, आ जाएगा आपके पास 10। ये सॉल्व होके आ गया फर्स्ट वाले सरफेस के लिए। सिमिलरली अब सेकंड सरफेस पे भी निकालना पड़ेगा, तो सेकंड सरफेस में क्या करेंगे, पूरे को एक मान लो। ये हो गया आपके पास 5 प्लस 10 यानी 15, यहाँ रखा है सरफेस, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, और नीचे इसका वेट कितना है, 15 इंटू में जी। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, 15 इंटू में जी। अगर मैं यहाँ पर एफ लिमिटिंग निकालूंगी, एफ लिमिटिंग दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन। म्यू है 0.1, एन कितना आपके पास, 15 इंटू में जी यानी कि 10, ये आएगा 15 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे वो ब्लॉक ढूंढना है जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। वो ब्लॉक कौन सा है, ऊपर वाला है भाई। इस पे आपने एफ लगाया तो क्या होगा, पीछे छूट रहा होगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये आगे की तरफ, एक ये पीछे की तरफ लगा रहा है इसके ऊपर। और ये वैल्यूज कौन सी ले रहे हैं हम लोग, एफ लिमिटिंग। स्टार्टिंग में एनालिसिस कर रहे हैं तो एफ लिमिटिंग से ए मैक्सिमम निकालना होता है यूजिंग दैट ब्लॉक जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन है। सो जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन है वो ये वाला है, 5 kg वाला, 5 kg। और इसपे लग रहा है आगे की तरफ कितना, एफ लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 10। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इसका। सो ये आएगा 5 इक्वल्स टू ए मैक्स, 5 इंटू में ए मैक्स इक्वल्स टू 10। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ए मैक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इस 2 को हम यूज करते हैं किस पे, दूसरे वाले ब्लॉक पे, 10 kg ब्लॉक पे, टू फाइंड एफ मैक्सिमम। 10 kg ब्लॉक लिया, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, जिसके लिए दोनों साथ में मूव करें। तो एफ मैक्स निकाल रही हूं मैं, एफ मैक्स यूज कर लिया 2 को। ठीक है, अब इस पे देखो, एक फोर्स एफ लिमिटिंग यहां लग रहा है जिसकी वैल्यू 10 है, और एक एफ लिमिटिंग अब नीचे भी लग रहा है, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 15 है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, एफ मैक्स माइनस 10 प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू में 2। ठीक है, सो एफ मैक्सिमम मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, 20 प्लस में 10 प्लस में 15, 30 प्लस में 15, कितना हो जाएगा ये, 45 न्यूटन। ठीक है, अब देखो आपके पास मैक्सिमम फोर्स क्या है, 45 पॉसिबल है, जिसके लिए दोनों साथ में मूव करें। अब चेक करना है कि गिवन फोर्स जो है वो आपके पास बड़ा है कि छोटा है। अब देख लो जरा, यहीं पर सॉल्व कर देंगे इसको। जो एफ है आपके पास दैट इज लेस देन एफ मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज लेस देन एफ मैक्सिमम। अब बताइए मुझे, ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक, क्या ये दोनों साथ में मूव करेंगे? अगर आपने 10 लगाया है तो क्या दोनों साथ में मूव करेंगे, क्योंकि f तो लेस देन f मैक्सिमम है? यस और नो, इतना बता दो। चलो yes. पक्का? देखो ट्विस्ट है यहाँ पे एक छोटा सा, नीचे वाले ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स क्या है, 10 है। ठीक है, और इसका जो f लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना है, 15 है। चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 10 आपने लगाया है और इसको अपोज करने वाला फोर्स जो है वो 15 तक बर्दाश्त कर सकता है, तो चलेगा ही नहीं। केस नंबर वन है ये, केस नंबर वन में आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स क्या है, 0।
तो जो आपने ये लिखा है ना, इस पर्टिकुलर केस में जो रेंज होनी चाहिए ना अप्लाइड फोर्स की, वो सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 45 से छोटी और आपके पास 15 से बड़ी होनी चाहिए। तो बस ये लास्ट ट्विस्ट था आपके क्वेश्चंस का, ठीक है? इसमें सारे टाइप्स कवर हो गए हैं। 15 से बड़ी हो, 45 से छोटी हो, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पर फोर्स कौन सा, मैक्सिमम फोर्स कितना पॉसिबल, भाई लगाया गया फोर्स चला भी पाएगा या नहीं चला पाएगा। जीरो था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे पास, 10 न्यूटन उसको आराम से ले जाता, तब हम बोल देते यस दे विल मूव टुगेदर, और हम एक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते, एफ लिमिटिंग हटा के एफ लगाते, क्योंकि उस केस में हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, ठीक है? अब इसी के दो पार्ट और हैं इसी क्वेश्चन के। अगर 25 लगाए तो क्या होगा और 50 लगाए तो क्या होगा। अब बस इतना ध्यान रखना, 25 लगा रहे हो तो डेफिनेटली ये तो मूव कर जाएगा, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर काइनेटिक लग रहा होगा, बट क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू एक ही दे रखी है, तो एफ के की वैल्यू जो है ना म्यू के इंटू में एन, वो एफ लिमिटिंग के बराबर ही आएगी, ठीक है? तो बस ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैंने आपको हिंट दे दिए, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, अब कोई डाउट है तो बताइए। यस बोलिए बेटा, वोट कर दिया सबने? यस मैम, करते ओके सर, एक यस सेकेंड। मैम, कोई